हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है इंश्योरेंस कंपनी। सो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। इंश्योरेंस इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां इंश्योरर इंश्योर्ड के किसी घटना के होने वाले लॉस को बियर करता है और रिटर्न में एक रेगुलर पेमेंट पाता है। नाउ आइए कुछ की टर्म्स है उसको समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, यह राइटिंग में होना चाहिए, जिसे इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी एंड उनके एजेंट को इंश्योरर कहा जाता है। इंश्योर, क्लाइंट्स आर इंश्योर। हैपनिंग ऑफ इवेंट, वो इवेंट जिसके कारण लॉस होता है, एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू फायर। एंड प्रीमियम, या क्वार्टरली हाफ ईयरली या फिर एनुअली पे किया जा सकता है। नाउ आइए इसके टाइप्स को समझते हैं। फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड मिसलिनियस इंश्योरेंस। आइए सबसे पहले समझते हैं फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस फायर, लाइटनिंग या फिर एक्सप्लोजन से होने वाले लॉस के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट शुड बी एक्सीडेंटल एंड नॉन इंटेंशनल। नेक्स्ट है मरीन इंश्योरेंस। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय सी पेरिल्स। द टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस आर कार्गो इंश्योरेंस। इस तरह का मरीन इंश्योरेंस शिप पर लोडेड गुड्स, पैसेंजर्स एंड शिप के क्रू मेंबर्स के लगेज को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट है हल इंश्योरेंस। अंडर दिस द होल शिप इज इंश्योर्ड, लाइक फर्नीचर, फिटिंग्स, टूल्स, मशीनरी, फ्यूल इंजन एंड द कंप्लीट वेहिकल। एंड लास्ट है फ्रेट इंश्योरेंस। यह पॉलिसी फ्रेट के होने वाले लॉस को कवर करता है। नेक्स्ट इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस। यह कवर करता है अनसर्टेन डेथ एंड सपोर्ट ड्यूरिंग ओल्ड एज। द काइंड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर, फर्स्ट है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी में पॉलिसी के अमाउंट को इंश्योर्ड की डेथ के बाद पे किया जाता है, मतलब पॉलिसी क्लाइंट के पूरे लाइफ तक रन करता है, लेकिन प्रीमियम एक फिक्स पीरियड तक पे किया जाता है। इस तरह की पॉलिसी में प्रीमियम रेट लो होता है। एंड नेक्स्ट इंश्योरेंस है इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इस तरह की पॉलिसी में सम इज पेड ओनली एट द टाइम ऑफ डेथ, अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज और एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टाइम पीरियड व्हिच एवर इज अर्ली। जहां डेथ के केस में कंपनसेशन लीगल हायर को पे किया जाता है और अन्य केस में पेड टू एश्योर। इस तरह की पॉलिसी में रेट ऑफ प्रीमियम होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से थोड़ा ज्यादा होता है। द कॉमन पॉलिसीज आर जीवन मित्र, जीवन साथी, जीवन सुरभि, जीवन किशोर, मनी बैक पॉलिसी एंड बीमा संदेश। आइए समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फेथ, मतलब विश्वास का एग्रीमेंट है। सो दोनों ही पार्टी को कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। कोई भी मटेरियल, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि इंश्योर द्वारा छुपाया गया है, वह इंश्योरर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मान सकता है। एग्जाम्पल, इस बात को छुपाना कि इंश्योर मतलब क्लाइंट एक हार्ट पेशेंट है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने शॉर्ट सर्किट होने से पहले ही स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रखा था। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देयर मस्ट बी एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। आइए समझते हैं इन एग्जांपल्स में इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट है या नहीं। एक पर्सन जिसने अपने स्पाउस और अपने बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया है, इस केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट है। एक पर्सन जिसने किसी स्ट्रेंजर के लिए पॉलिसी ले रखा है, इस केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि क्लाइंट का उस स्ट्रेंजर से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है एक पर्सन जिसने किसी वस्तु के लिए इंश्योरेंस लिया है, जिसके लिए उसे ओनरशिप सौंपा गया, इस केस में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है जहां एक पर्सन जिसने एक फैक्ट्री की सिक्योरिटीज, मतलब शेयर पर लोन ले रखा है,
सो क्या इस केस में भी जहां वह पर्सन फैक्ट्री का ओनर नहीं है वह फैक्ट्री के लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है? सो इस केस में सिक्योरिटीज जो कि उस फैक्ट्री का है और जिसके लिए उस पर्सन के पास ओनरशिप है, इसलिए इस केस में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट है और वह फैक्ट्री के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर एक पर्सन एक से ज्यादा पॉलिसी सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए ले रखा है तो वह सभी पॉलिसी पर टोटल लॉस से ज्यादा का क्लेम नहीं कर सकता। मतलब इंश्योरेंस कंपनी अपने हिस्से तक का ही लॉस बियर करेगा। एग्जांपल, एक पर्सन जिन्होंने अपने हाउस के लिए फायर इंश्योरेंस ले रखा है फ्रॉम इंश्योरर ए फॉर 1 लाख एंड फ्रॉम इंश्योरर बी फॉर 50,000, जहां लॉस का अमाउंट है 75,000। सो फॉर्मूला पुट करेंगे सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाई टोटल सम एश्योर्ड इनटू टोटल लॉस। So, 1 lakh divided by 150,000 into 75,000 is equal to 50,000. And 50,000 divided by 150,000 into 75,000 is equal to 25,000. ये प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर अप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, मतलब क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट। इंश्योरेंस का पर्पज होता है क्लाइंट को सेम फाइनेंशियल पोजीशन में लाना जैसा कि वह लॉस होने के पहले था। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। इस प्रिंसिपल के अनुसार क्लाइंट मतलब इंश्योर्ड को कंपनसेट करने के बाद डैमेज प्रॉपर्टी पर इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार हो जाता है। नाउ इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है। एंड नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, मतलब कॉज और रीजन फॉर लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। अगर गुड्स के लिए मरीन इंश्योरेंस लिया गया है और गुड्स फायर के कारण डैमेज हुआ है तो उस लॉस के लिए क्लेम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। क्लाइंट को अपने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराने के बाद उसी तरह से रख रखाव करना है जैसा कि वह इंश्योरेंस कराने के पहले करता था। आइए समझते हैं डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। जब गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पॉलिसी लिया जाता है तो उसे इंश्योरेंस कहा जाता है। जब लाइफ के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है तो उसे एश्योरेंस कहा जाता है। इंश्योरेंस के केस में पॉलिसी के अमाउंट को क्लेम करने के लिए लॉस का होना जरूरी है और एश्योरेंस के केस में लॉस हो या न हो इंश्योरेंस कंपनी को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद पॉलिसी अमाउंट को पे करना होता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस के केस में रिस्क अनसर्टेन होता है। एश्योरेंस के केस में इवेंट का होना सर्टेन होता है, ऑल्दो टाइम फॉर हैपनिंग अनसर्टेन हो सकता है। यह इंक्लूड करता है फायर, मरीन एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस। यह इंक्लूड करता है लाइफ इंश्योरेंस ओनली। इंश्योरेंस के केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है और एश्योरेंस के केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। यह केवल प्रोटेक्शन को कवर करता है। यह प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों को ही कवर करता है। तो यह था कॉन्सेप्ट कंप्लीट इंश्योरेंस कंपनी का। आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।